प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसी सिलसिले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज और कल दो दिन बेंगलुरु के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों से चर्चा कर उन्हें आमंत्रित करेंगे और इसके साथ ही आईटी के सेक्टर में निवेश के अवसरों पर 8 अगस्त को इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया गया। बेंगलुरु दौरे के दौरान सीएम का एमआई पर फोकस होगा और मध्य प्रदेश में छोटा भीम जैसे कार्टून बनाने के लिए एनिमेशन वीएफएक्स सेक्टर के लिए सरकार प्रयास कर रही है और इसे प्रमोट करेगी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में डेटा सेंटर लाए जाने की भी तैयारी हो रही है। और आपको बता दें कि इंटरेक्टिव सेशन में सीएम उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे और जानकारी दें कि मिनरल ऑप्शन के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला पुरस्कार मिला है उसका भी यहाँ प्रभाव देखने को मिलेगा और निवेश के लिए अच्छे खासे उद्योगपतियों को आकर्षित कर सकेगी सरकार, इसके लिए प्रयासरत है और लगातार औद्योगिक विकास पर फोकस है राज्य की सरकार का, जिससे कि न सिर्फ प्रदेश में निवेश आए बल्कि जो रोजगार के अवसर हैं वो भी बढ़ें और युवाओं को रोजगार हासिल हो। 8 अगस्त को इंटरेक्टिव सेशन होना है और इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से तैयार, राज्य में निवेश बढ़ाए जाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, राज्य में औद्योगिक शक्ति को बढ़ावा देने और निवेश वो भरपूर लाने का प्रयास राज्य की सरकार कर रही है और अभी जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्लानिंग कर रही है, पॉलिसीज में तब्दीली की गई है, निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ये कहीं ना कहीं सरकार का फोकस है। और इसके लिए जो सबसे बड़ा नवाचार है वो है रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का। कुछ दिन पहले जबलपुर में महाकौशल को लेकर रीजनल कॉन्क्लेव हुई थी, उसके पहले उज्जैन में हुई थी और अब ग्वालियर में इसी महीने कॉन्क्लेव होने जा रही है, उसके बाद विंध्य के रीवा में और फिर बुंदेलखंड के सागर में इस मीट का आयोजन जो है वो होना है और बड़े बड़े निवेशक मध्यप्रदेश में आए, इसलिए सीएम मुंबई बेंगलुरु जैसे जो बड़े आईटी हब हैं, बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं, वहां जा रहे हैं, वहां दौरे कर रहे हैं और जो उद्योगपति हैं उनसे मिल रहे हैं। आज सीएम दो दिन के बेंगलुरु दौरे पर जा रहे हैं, वहां पे कई उद्योगपतियों से मिलेंगे और चर्चा करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे मध्यप्रदेश सबसे मुफीद जगह है। आशीष, अगर आप अपना इंडस्ट्री यहां पर सेटअप करते हैं तो बड़ा एक लैंड बैंक हमारे पास है, वाटर बैंक हमारे पास है, पॉलिसीज अच्छी हैं, लेबर सस्ता है, प्रॉपर्टी सस्ती है और यहां पर अगर आप आएंगे तो आपको रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी, एयर कनेक्टिविटी मिल जाएगी और तमाम जो जरूरी सुविधाएं होती हैं वो आसानी से उपलब्ध होंगी और आपका जो उद्योग धंधे हैं वो काफी तरक्की करेंगे और मध्यप्रदेश को भी इससे सीधे तौर पर लाभ होगा, चाहे फिर वो आप पॉलिटिकली देखें या फिर इंडस्ट्रियल हिसाब से देखें या इकोनॉमिकल ग्रोथ के हिसाब से देखें, मध्यप्रदेश के लिए भी अगर निवेश आता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं मानी जाएगी। स्वाभाविक है, वासु, रोजगार का भी एक बड़ा अवसर यहां पर युवाओं के लिए बनेगा और साथ ही प्रयास ये भी हो रहे हैं कि एनिमेशन वीएफएक्स और डेटा सेंटर जैसे जो टेक्निकल या आईटी सेक्टर के हब हैं उन्हें भी यहां पर स्थापित किया जाए, इसके लिए भी प्रयास कर रही है सरकार। निश्चित तौर पर देखिए आईटी सेक्टर में बूम लाना मध्य प्रदेश सरकार के जो है वो प्राथमिकता है। अभी हमने देखा है कि पुणे, बेंगलुरु, मुंबई ये बड़े शहर हैं, गुरुग्राम आप ले लीजिए जहां पे बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज काम करती हैं, लेकिन अब इन्हीं शहरों की तर्ज पर आपको आने वाले समय में भोपाल, इंदौर, जबलपुर भी नजर आएंगे जहां पे बड़ी आईटी कंपनीज के जो प्लांट्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं वो लगेंगे। और महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ग्राफिक्स एनिमेशन के फील्ड में भी मध्यप्रदेश अब एक अग्रणी भूमिका निभाएगा क्योंकि एक नई फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मध्यप्रदेश में होती हुई नजर आ रही है। मुंबई के बाद, साउथ इंडस्ट्री के बाद आप देखें तो मध्यप्रदेश में लगातार फिल्मों की जो शूटिंग है उसको बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि मध्यप्रदेश टूरिज्म की जो फिल्म पॉलिसी है वो काफी मुफीद है और यहां पर शूट की परमिशंस लेना, कलाकारों की उपलब्धता, लाइन प्रोड्यूसर्स की उपलब्धता भी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, लोकेशंस बहुत हमारे पास सुंदर है, पचमणी है, नेशनल फॉरेस्ट है कई सारे, भोपाल में बहुत सारी सुंदर लोकेशंस है, मां नर्मदा यहां पर बहती है और मां नर्मदा के किनारे कई सारी फिल्म
फिल्मों की जो शूटिंग है वो होती हुई आई है, चाहे बड़े बड़े स्टारर फिल्म हो, वेब सीरीज हो, ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स के फिल्मों, और इनमें आप जानते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन का भी एक बड़ा रोल होता है। तो वो ग्राफिक्स और एनिमेशन के ऑप्शन भी अगर मध्य प्रदेश में मिलेंगे तो फिल्मी जगत के लिए, कला के जगत के लिए एक बड़ी सुविधा जो है वो हो जाएगी। और इसलिए मध्य प्रदेश में अब एनिमेशन और ग्राफिक्स डिजाइनिंग वीएफएक्स के काम को भी बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रीज जो है वो स्थापित होंगी, स्टूडियोज को यहां पर बुलाया जाएगा और एक बड़ा मीडिया हब बनकर मध्य प्रदेश जो है वो आने वाले समय में देश के पटल पर आएगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे और साउथ की जो इंडस्ट्री है, चाहे हैदराबाद हो या जो कॉलीवुड है, उसका विकल्प मध्य प्रदेश में तैयार होगा। और हम बार बार यही कहते हैं कि हमारे पास कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे एयर हो, और तमाम जो बैंक्स होते हैं, चाहे लैंड बैंक हो, वाटर बैंक हो, ये सारी चीजें हमारे पास मुफीद हैं। बिजली में हम लोग सरप्लस हैं, तो ये कोई भी तरीके की इंडस्ट्री हो उसका स्वागत करने के लिए मध्य प्रदेश बहुत मुफीद जगह है। जरूरत है तो बड़े विजन की, बड़ी तैयारी की और बड़े इन्वेस्टर्स की जो आए और मध्य प्रदेश में काम करें। स्वाभाविक है, और चूंकि जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी की आपने बात की, रोड कनेक्टिविटी मध्य में होने के चलते साउथ से और नॉर्थ दोनों ही जगह से, वेस्ट और ईस्ट से भी सीधी कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश के साथ है। और जिन लोकेशंस की आपने बात की, चाहे वो भोपाल, खंडवा, सीधी, मंडला, और जिस तरह की ऐतिहासिक लोकेशंस हैं और खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं, वो हमेशा फिल्म वालों की पहली पसंद रहे। और यहाँ की फ्लेक्सिबल फिल्म पॉलिसी वासु, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो वाकई फिल्म वालों को आकर्षित करती है। और इनका यहाँ पर आना निश्चित रूप से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक होनी है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर यहां पर मुहर लगाए जाने की तैयारी है। इसके बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज 11 बजे मंत्रालय में होने वाली बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अध्यक्षता करेंगे, उनके कैबिनेट के सहयोगी उनके साथ मौजूद रहेंगे और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार आज फैसला लेने वाली है और इन फैसलों को लागू किया जाएगा। क्या ये निर्णय रहेंगे, इस पर भी लगातार रहेगी हमारी नजर। भोपाल से आ रही जानकारी, डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट आज सुबह 11 बजे एक बार फिर एकत्रित होगी बैठक के लिए, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाना है और मुहर लग सकती है। और जिस तरह निवेश के विषय पर सरकार विचार विमर्श कर रही है, उस निवेश का सीधा लाभ प्रदेश की जनता तक पहुंचे, इसके लिए भी कैबिनेट आज कुछ फैसले लेने वाली है। क्या निर्णय होंगे, किन विषयों पर बात होगी, ये जानने के लिए चलेंगे सीधा भोपाल। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक में किन विषयों पर चर्चा होनी है, क्या प्रस्ताव लाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आशीष, जो संभावित प्रस्तावों के बारे में जानकारी मिल रही है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आज की जो कैबिनेट बैठक होगी वो रोजगार पर फोकस्ड होगी। एक और तो सरकार बाहरी निवेश लाने के लिए प्रयासरत है, सीएम के लगातार दौरे चल रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों के साथ बातचीत चल रही है। तो वहीं मध्यप्रदेश में जो रिक्त पद हैं अलग अलग विभागों के, चाहे वित्त के हों, चाहे ऊर्जा के हों, अन्य विभागों के हों, उनमें भर्ती प्रस्ताव जो है वो लाए जाएंगे कि उनमें जल्द से जल्द जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनको शुरू किया जाए, रिक्त पदों को भरा जाए, ताकि मध्यप्रदेश के जो युवा हैं, जो लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें जो है वो रोजगार मिल सके। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो बड़ी योजनाएं जो चल रही हैं उनको लेकर भी बातचीत होगी और बड़े प्रस्ताव आएंगे, निर्माण कार्यों को लेकर प्रस्ताव आएंगे, ताकि प्रदेश के विकास को गति मिल सके, प्रदेश और भी ज्यादा बेहतर और सुदृढ़ नजर आए। आने वाले समय में तिरंगा यात्रा मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर निकाली जानी है, इसके साथ ही रक्षाबंधन का जो पर्व है वो आ रहा है, कई सारे अन्य त्यौहार भी आ रहे हैं, तो उसमें सरकार की तमाम सारी जो योजनाएं चल रही हैं उनका सही समय पे जो हितग्राही हैं उनको लाभ मिल सके और सरकार की ओर से जो कि इंतजाम किए जाने हैं वो सुनिश्चित किया जा सके, इसको लेकर भी आज सीएम जो है वो अपने मंत्रियों के साथ, कैबिनेट के साथियों के साथ चर्चा करेंगे। अलग अलग विभागों का जो रोडमैप सीएम ने मंगाया हुआ है कि आपके विभाग में क्या कुछ काम किए जा सकते हैं, आपके विभाग से संबंधित कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन हो रहा है,
उनकी गति कितनी है, रफ्तार कितनी है, उनका जमीन पर क्या कुछ इम्पैक्ट नजर आ रहा है, इसकी जानकारी भी सीएम आज कैबिनेट बैठक के दौरान लेंगे और जो प्रस्ताव सीएम को मिलेंगे उन्हें भी हरी झंडी मिल सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण महिलाओं के लिहाज से आप देखिए, युवाओं के लिहाज से देखिए, किसानी से संबंधित जो कुछ प्रस्ताव है वो भी आज कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे, चाहे वो किसान सम्मान निधि की राशि को लेकर हो या फिर अन्य जो सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती है उनको लेकर हो। तो लगभग सभी विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो तैयार हैं, उन्हें आज हरी झंडी मिल सकती है और बहुत सारे भर्ती पदों को लेकर भी आज जो कैबिनेट है वो मुहर लगा सकती है और उसके बाद फिर सिलसिलेवार रूप से जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा आप, कैबिनेट की बैठक के बाद जो निर्णय लिए जाएंगे, क्या ऐलान किए जाते हैं, इस बारे में डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे वासु आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे रायपुर से अगली खबर, जहां साय कैबिनेट की भी आज एक अहम बैठक होनी है और सीएम हाउस में ये बैठक होगी। साय कैबिनेट की पहली बार सीएम हाउस में बैठक हो रही है और कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं राज्य सरकार के द्वारा। आपको बता दें कि डीए के संबंध में सरकार फैसला लेगी और जो रेडी टू ईट का संचालन करना है इसके संबंध में सरकार बड़ी जानकारी यहां से मिल रही है कि फैसला लिया जा सकता है और साथ ही खाद और बीज संबंधी विषयों को लेकर भी सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। और आज सीएम हाउस में होने वाले इस बैठक के बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, हमारे सहयोगी तनु वर्मा भी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। तनु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, आज सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक होनी है? जी बिल्कुल, देखिए सीएम साई की अध्यक्षता में आज सीएम हाउस में करीब 11 बजे से कैबिनेट की बैठक जो है वो होनी है और आज की इस बैठक के फिलहाल अभी एजेंडे तो सामने नहीं आए, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की इस बैठक में किसानों और कर्मचारियों के हित में सरकार जो है बड़ा फैसला ले सकती है और आगे की रणनीति भी आज के इस कैबिनेट की बैठक में जो है तय की जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो है मानसून मेहरबान है और कई लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण और उसके साथ ही मानसून की तैयारियों को लेकर भी सरकार जो है वो घोषणा कर सकती है। इसके अलावा लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं जो है वो हो रही थी, ऐसे में आज के इस कैबिनेट बैठक में सरकार इस पर भी जो है फैसला ले सकती है। इसके अलावा खेती किसानी पे भी अहम फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात जो अभी बने हुए हैं, जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, इन इलाकों में और किसानों के लिए कुछ राहत की घोषणा भी सरकार आज के इस कैबिनेट बैठक में जो है वो कर सकती है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की जो है वो संभावना है और इन्हीं मुद्दों पर कुछ अहम फैसले सरकार जो है ले सकती है, लेकिन ये कैबिनेट की बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सरकार कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले जो है वो लेती। जी स्वाभाविक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए तनु। और रायपुर से एक अहम खबर, जहां 9 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से और इसके बारे में जानकारी दी गई। मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर और बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, बेमेतरा में अलर्ट जारी किया गया और मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। 9 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, बेमेतरा, ये सभी वो जिले हैं जिसमें भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान इसका जाहिर किया गया है और साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और तनु वर्मा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। तनु, मौसम विभाग कह रहा है कि येलो अलर्ट है और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई 9 जिलों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिनों तक मानसून पे जो है वो ब्रेक लगा था, जिसके बाद कल अचानक दोपहर में फिर मौसम के मिजाज में जो है वो बदलाव देखने को मिला और कल दोपहर से ही राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर की अभी की हम बात करें तो अभी भी आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का दौर जो है वो जारी है। वहीं मौसम विभाग ने रायपुर और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना भी जो है वो जताई है। इसके अलावा कई इलाकों में अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त
में पिछले 10 साल से अच्छी बारिश का जो है ट्रेंड रहा है, और इस साल भी इसी का अनुमान जो है मौसम विभाग के द्वारा जताया जा रहा है। और मौसम विभाग का कहना यह भी है कि मानसून का जो सीजनल कोटा होता है 1050 मिलीमीटर से लेकर 1100 मिलीमीटर, तो ये सीजनल कोटा अगस्त के इस महीने में पूरे होने की संभावना जो है मौसम विभाग जता रहे, क्योंकि इस बार 1 जून से लेकर अभी तक की हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में 665 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगस्त के इसी महीने में जो है सीजनल कोटा मानसून का जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद भी अगर अच्छी बारिश होती है तो छत्तीसगढ़ में हालात जो है बिगड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल लगातार बारिश का दौर यहां पर जारी है, मौसम भी सुहाना बना हुआ है, मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट जो है वो देखी गई थी, क्योंकि 2 दिन मानसून में ब्रेक लगा था तो उमस और बेचैनी से लोग थोड़े से परेशान हो गए थे, लेकिन फिर राहत जो है लोगों को अच्छी बारिश की वजह से मिल चुकी है। जी बिल्कुल, और ये उमस से राहत तो दे ही रहा है, लेकिन एक परेशानी जरूर बढ़ सकती है, और 2 दिन के ब्रेक के बाद वापस जब ये रिज्यूम होगा तो सड़कों पर एक बार फिर से पानी भरने की आशंका भी है, और अब देखना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी क्या तैयारियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए तनु। और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें एक योजना है ड्रोन दीदी योजना, जो न सिर्फ कृषि को आसान बना रही है बल्कि नारी शक्ति की नई पहचान उजागर हो रही है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ड्रोन दीदी अपनी सफलता की इबारत लिख रही हैं। आज उन्हीं में से एक ड्रोन दीदी के बारे में जानिए, जो नारी शक्ति और आधुनिक कृषि के क्षेत्र में रोल मॉडल बन चुकी हैं। इनसे मिलिए, ये सावित्री साहू हैं, जो अब ड्रोन दीदी के नाम से प्रसिद्ध हैं। खैरागढ़ जिले की रहने वाली सावित्री ने नारी शक्ति को एक नई पहचान दी है। ये अब नारी सशक्तिकरण और आधुनिक खेती को लेकर रोल मॉडल बन चुकी हैं। सावित्री जिले की एकमात्र ऐसी महिला हैं जो ड्रोन से आधुनिक खेती करती हैं और कृषि के क्षेत्र में क्रांति लेकर आई हैं। सावित्री बताती हैं कि ड्रोन से समय की बचत के साथ साथ ही पानी और दवाइयों की मात्रा भी कम लगती है। ड्रोन दीदी बनने के बाद अभी की जो आधुनिक खेती में जो मैं कदम रखी उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है, इसमें जो मैन पावर लगती थी उसमें बहुत बचत हो रही है, तो इससे किसानों के लिए दवाई भी बचत हो रही है, प्लस पानी की भी बचत हो रही है, समय की भी बचत हो रही है। आज सबसे परेशानी है वही लेबर, जो जिसका पूर्ति पूरा हमारे ड्रोन से हो रही है। सावित्री हर उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो आधुनिक युग में कुछ नया करने की इच्छा रखती है। इस ड्रोन से अब सावित्री रोजाना 2 से 3 हजार कमाती हैं। ये नारी सशक्तिकरण की ओर सकारात्मक पहल है। केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना से सावित्री काफी खुश हैं। मैं पूरे ब्लॉक में स्प्रे करती हूं तो वो मेरा आय का बहुत बड़ा स्रोत बना है, जिसमें मैं पर डे लगभग ऐसे 3 हजार मिल जाता है मेरे को। एक दिन में अगर 10 एकड़ कर ली तो 3 हजार मेरा आय बन जाता है एक दिन का। मैं महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी कि आप भी इस आधुनिक खेती को अपनाइए। ड्रोन तो सभी दीदी चला सकते थे, पहले के दिन मैं नहीं चलाती थी, लेकिन अब हो रहा है। सावित्री के पति प्रेमचंद साहू पिछले 2 साल से ड्रोन लेने का सोच रहे थे, ताकि खेती का काम आसान हो सके, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होने के कारण नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ड्रोन दीदी योजना के बारे में पता चला, उन्होंने अपनी पत्नी को इस ओर आगे बढ़ाया और आज अपनी पत्नी की मदद से कृषि के घंटों का काम मिनट में कर रहे हैं। सर, आधुनिक खेती की तरफ सर्च किया मोबाइल से, तो उसमें मुझे पता चला कि ड्रोन अवेलेबल है मार्केट। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे बहुत सी परेशानियाँ थी वो दूर हो गई। घंटों का काम मिनटों में, हफ्तों का काम एक दिन में हो जाता है। सावित्री महिला समूह से जुड़ी हुई एक्टिव महिला हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की ड्रोन योजना के तहत पहले चरण में फायदा मिला। ड्रोन चलाने को लेकर ग्वालियर में 15 दिन का प्रशिक्षण भी मिला। अब जिला प्रशासन महिला समूह के अन्य सदस्यों को योजना से लाभ पहुँचाने की कोशिश में जुटा है, ताकि अन्य महिलाएं भी नारी शक्ति के रूप में कृषि में क्रांति ला सकें। ये तकनीक का इस्तेमाल एक छोटे से गांव की जो हमारी दीदी कर रही हैं, तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा संदेश है। और बाकी एक किसान है चाहे हमारे ग्रामीण महिला दीदी है, उनको मैं अपील करूंगा कि आने वाले समय में जब भी आपको अवसर मिलेगा ऐसे नई तकनीक का इस्तेमाल करें, जिससे कृषि है वो आधुनिक हो।
जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली महिला सावित्री साहू अब हर किसी के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अगर ऐसे ही समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे, तो विकसित भारत के साथ साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना भी पूरी हो जाएगी। न्यूज 18 के लिए राजनांदगांव से राकेश यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन किए और इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संध्या आरती में भी शामिल हुई। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी संजय शर्मा ने पूजा संपन्न कराई। वहीं मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासक मृणाल मीना ने राज्यपाल का स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुलाकात की और राजभवन में अतिथि गृह में शिष्टाचार मुलाकात दोनों के बीच। और बढ़ते हैं आगे।